जाने के खेरला नाम का एक और जो गढ़ है वो भी मध्य भारत का एक सदन इस प्रकार का गढ़ था। हाँ, इसकी जो समय सीमा थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, 1300 से लेकर तो 1400 के बीच में, 100 साल के अंदर में ये जो है राज्य ख़त्म हो गया। लेकिन उसके बावजूद इसने जो मुकुंदराज लिखित जो एक विवेक सिंधु नाम का जो किताब है, उस विवेक सिंधु में सबसे पहले खेरला राज्य के बारे में लिखा गया हुआ है। उस विवेक सिंधु में वो लिखते हैं कि मुकुंदराज नाम वो जो लिखते हैं कि खेरला क्षेत्र में जो है जैतपाल नाम का एक आखिरी क्षत्रिय जो है राजा हुआ करता था, और उसके मृत्यु के बाद में जो है वहाँ पर जो है गोंड लोगों की सत्ता प्रस्तापित हुई थी, और उस गोंड राजाओं की जो सत्ता प्रस्तापित हुई थी वो बहुत ज़्यादा धनी और शक्तिशाली बाद में दिखाई देते हैं, ऐसा उन्होंने लिखा हुआ है। तो इस प्रकार का ये जो खेरला नाम का जो ठिकाना है, वहाँ का जो सबसे बलशाही और सबसे बेहतरीन इस प्रकार का जो राजा रहा हुआ है उसका नाम था नरसिंह राय। नरसिंह राय के ऊपर में फिर से बाहमनी राजा जो है फिरोज शाह, इस प्रकार का जो बाहमनी राजा था जो दक्षिण की तरफ से इनके ऊपर में आक्रमण करता है। जैसे कि गढ़ामंडला के समय में भी अकबर ने जो है अपने आशफ खान नाम के उनका जो सरदार था, उनका जो ये था, उसको उन्होंने भेजा था रानी दुर्गावती के खिलाफ में। तो कई बार हम लोगों को ये सवाल इसमें पैदा होता है कि इस प्रकार के बाहमनी किंगडम्स हो या फिर हम लोग कहेंगे कि मुगलों ने जो है गोंडवाना के ऊपर में आक्रमण क्यों किया हुआ। वो इसलिए किया हुआ है क्योंकि यहाँ का धन, यहाँ की संपत्ति, यहाँ का वैभव उनको आकर्षित करते थे। आज भी आप लोगों को मालूम होगा कि चोरी आदमी वही करता है जो बड़ा घर दिखता है, सदन दिखता है, वहाँ झोपड़ी में कौन चोरी करता है। तो गोंडवाना इसी प्रकार का साम्राज्य उस समय में रहा, और जिसके कारण यहाँ पर जो है लोग आक्रमण करते चले गए, और यहाँ पर जो है हम लोगों की जो कुछ भी सत्ता उस समय में बनी हुई थी उसको नेस्तनाबूत करने का काम जो है ये बाहरी शक्तियों ने किया हुआ है। बामनियों के साथ में होशंगाबाद का भी राजा था, उसने भी जो है इसके ऊपर में आक्रमण किया था। तो ऐसे ये चार जो बड़े किंगडम हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था, ये एक बेहतरीन इतिहास जो है हम लोगों के सामने में प्रस्तुत करते हैं, जहाँ हम लोगों को ये याद रखना है कि किस प्रकार से जो है हमारे पुरखों ने जो है हम लोगों का गौरवशाली इतिहास को संपन्न किया, बढ़ाया,